अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास फोर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था रिलेटिव प्रोनाउंस का, जिसके अंदर हमने सीखा था कि किस तरह से हम हु, विच और दैट का इस्तेमाल करते हैं। उसी को हम आगे लेके चलेंगे और सीखेंगे कि हु, विच और दैट का इस्तेमाल कैसे करना है। तो उससे पहले थोड़ी सी रीडिंग करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, एक दफ़ा रिवाइज हो जाए कि काम क्या करना है। आप लोगों ने अपनी बुक का पेज नंबर जो है वो 41 खोल लेना है। पेज नंबर 41 है आपकी बुक का। इस पेज के ऊपर सबसे शुरू में आप देखिएगा लिखा हुआ है हु, विच एंड दैट आर द रिलेटिव प्रोनाउंस। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउंस, और इसके अंदर इन तीनों का हमने इस्तेमाल सीखना है, हु, विच एंड दैट का। अब देखते हैं जी कि किसने किसकी जगह पे आना है। दे टेक प्लेस, वो जगह लेते हैं ऑफ नाउन्स, नामों की या प्रोनाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं बेटा? जिस तरह किसी का नाम ले लें, जैसे हम नाम लें असलम, अकरम, शबाना, तो इस तरह के जो नाम होते हैं, जैसे मेरा आपका नाम है, तो ये नाउन्स हैं। ऐसे ही अगर हमारी जगह पर बोला जाए ही, शी, इट, दिस, तो वो प्रोनाउन्स हैं। तो नाउन्स और प्रोनाउन्स की जगह पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लिखा हुआ है दे टेक प्लेस ऑफ द नाउन्स और प्रोनाउन्स। और क्योंकि इनका इस्तेमाल डिपेंड करता है कि नाउन कौन सा है, इसलिए हम इनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन्स, रिलेट करते हैं प्रोनाउन के साथ। दे एक्ट एज कंजंक्शंस, वो जोड़ने का काम करते हैं। एंड दे आर रिलेटेड टू द नाउन, भाई जिस तरह का नाउन होगा उसी तरह का आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। That comes before them, ठीक है, तो जिससे पहले वो आते हैं उसके लिहाज से वो चलते हैं। अब एग्जाम्पल देखिएगा जी, लुबना इज़ अ प्यूपल, लुबना एक शागिर्द है, तो प्यूपल बोलते हैं शागिर्द को। अब ये डार्ट नज़र आ रहा है आपको, शी गेट्स, अब यहाँ पे देखिएगा ये प्रोनाउन है जिसको हमने रिप्लेस करना है दरम्यान में। फिर क्या होगा, ये दो सेंटेंसेस जो हैं आपस में मिल जाएंगे, कंजक्ट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, लुबना इज अ प्यूपल दैट goes to school। अब यहाँ पे देखिए pupil के बाद dot ख़त्म हो गया है और she की जगह पर आ गया who। अब who क्यों आया जी, क्योंकि कोई भी जब इंसान की बात हो रही होगी तो फिर who इस्तेमाल करेंगे, जब लोगों की बात हो रही होगी तो। नीचे इसकी डिटेल है, देखिएगा who is always used for people, लोगों के लिए यूज़ होता है। जब भी किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो फिर आपने who का इस्तेमाल करना है। which and that are used for animals and things, बेजान चीज़ें हों या एनिमल्स हों, तो इनमें से कोई भी जो मुनासिब आपको लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिएगा जी, अब हमारी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। इसमें क्या है, आई सॉ अ ब्लैक डॉग, मैंने एक काला कुत्ता देखा, दैट वॉज बार्किंग। अब कुत्ते की जगह पे इस डॉग की जगह पे आपने लगाना है। अब ये इंसान तो नहीं है, इसका मतलब हूँ नहीं लगेगा। अब यहाँ पे दैट लगेगा या विच लगेगा, तो आप यहाँ पे विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो WHICH लिखेंगे आप, तो विच का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, विच वॉज डार्किंग या दैट वॉज बार्किंग। ऐसा बॉय, अब ये इंसान की बात हो रही है, हु वॉज क्लाइंबिंग अप द पोल, अब यहाँ पे बॉय के लिहाज से हु आएगा, ठीक है जी, तो यहाँ पे WHO लिखेंगे हु। ऐसे ही ऐसा कैप, अब ये एक ऑब्जेक्ट आ गया है, सब्सटेंस आ गई है, नॉन लिविंग थिंग आ गई है। That was very big, तो ये क्या होगा, That आएगा यहाँ पे, शाबाश, सही गैस किया आपने, अगले दो आपने ही गैस करने हैं। I saw a child, blank was entering the cave, बच्चा जो गार में दाखिल हो रहा था, केव मतलब गार, एंटरिंग दाखिल हो रहा था, तो बच्चा भी तो एक पीपल है ना, इंसान है, तो क्या लगना चाहिए, बिल्कुल सही आपने गैस किया, यहाँ पर भी हम हु का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा रैट, अब ये इंसान तो नहीं है, दैट वाज एंटरिंग अ होल, जो एक सुराख में दाखिल हो रहा था, इसका मतलब है यहाँ पर हम विच या फिर दैट का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ विच, विच वाज एंटरिंग द होल, बिल्कुल सही है, शाबाश। आगे देखते हैं जी, कॉपी एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस विद हु और दैट, आपने हु और दैट के साथ इनको फिलअप करना है। पहले हु और विच दिया हुआ था, सॉरी मैंने इसको पढ़ा नहीं है, तो आपने दैट का इस्तेमाल नहीं करना, आपने विच का यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने दैट लिखा है, इसका मतलब है आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, विच इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं जी,
कॉपी एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस विद हु और दैट द प्लेयर्स दे आर प्लेयर्स. अब प्लेयर्स इंसान ही होंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, डब्ल्यू एच ओ हु लगेगा यहाँ पे. ठीक है जी, हु आर प्लेइंग क्रिकेट. तनवीर हैज़ अ बुक, बुक अब बेजान चीज़ है तो यहाँ पे डैट का इस्तेमाल होगा. शी वेयर अ वुलन कोट दैट इज़ वेरी वार्म, तो यहाँ पे भी यूज़ करेंगे डैट. आई गेव हर अ डॉल दैट कैन स्पीक, तो क्या लिखेंगे दैट. सर पहला पहला लेटर लिख रहा हूँ, पहले में डब्ल्यू एच ओ आएगा, दूसरे में डैट आएगा, तीसरे में भी डैट आएगा, चौथे में भी डैट आएगा, पांचवे में आई मेट अ फ्रेंड. अब आप हैं इंसान तो आपका दोस्त भी इंसान ही होगा. आई मेट अ फ्रेंड हु हैज़ कम फ्रॉम बगदाद, जो कि बगदाद से आया हुआ है. तो यहाँ पर इसका मतलब है आप हु का इस्तेमाल करेंगे. शाबाश, आपने अच्छा इसको सीख लिया है कि आपने कहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है. तो मैं आपको अब इसके दूसरे पोर्शन की तरफ लेके जाऊँगा. एक और काम है कि आप इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं, लाइक मैन हु टीचेस, ऐसे ही मैन हु क्योर्स, मैन हु ड्राइव्स, मैन हु ड्रॉज, द वेमन. यहाँ पे मैं वेमन के लिए भी फिल कर रहा हूँ. तो ये एट सेंटेंसेस बनेंगे. क्या लिखा हुआ है, मेक एट सेंटेंसेस. द वेमन हु टीचेस, द वेमन हु क्योर्स, द वेमन हु ड्राइव्स, द वेमन हु ड्रॉज. तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा. मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, बाकी भी आप लोगों ने पूरा कर लेना है. तो इस तरह से आप सेंटेंस लिखेंगे, द मैन हु टीचेस पीपल्स इज अ टीचर. तो आपने इस तरह से कंप्लीट करके अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लेना है एक पूरे का पूरा सेंटेंस. तो इस तरह के 8 सेंटेंस बनेंगे. जिस फ्लो के साथ मैंने ये लाइंस लगाई हैं, इसी फ्लो के मुताबिक आप लोग ये बनाएंगे. आगे जी, इसी लेक्चर में मैं कंप्लीट करना चाहूँगा इसको. साथ में आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ये मैं कंप्लीट नहीं करूँगा, ये आप लोगों ने देख लिया जी. आप अपनी बुक के पेज नंबर 42 पे आ जाएंगे, बुक के पेज नंबर 42 के ऊपर, एंड के ऊपर आपको पेज नंबर 42 मिलेगा. पेज नंबर 42 के ऊपर भी आपको यही काम दिया हुआ है, अब आपने खुद करना है. मैं आपके लिए एक आध एग्जांपल करता हूँ, बाकी आपने खुद करना है. ताहिरा हैज़ टू कज़न्स, अब रिलेटिव टू कज़न्स लगाना है आपने, ये ना वो ताहिरा के लिहाज से आप सोच रहे हो. ताहिरा हैज़ टू कज़न्स, यहाँ से ये वाला जो डॉट है ये ख़त्म कर देंगे और दे की जगह पर आ जाएगा हु, डब्ल्यू एच ओ हु लिव इन इंग्लैंड. तो ये क्या बन जाएगा जी सेंटेंस, ताहिरा हैज़ टू कज़न्स हु लिव इन इंग्लैंड. आगे देखिएगा जी, माई मदर हैज़ टू हैंड्स, अब यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन लगना है ना वो हैंड्स के लिहाज से लगना है, ना कि मदर के लिहाज से. ठीक है, क्योंकि आगे जो बात हो रही है उसको देखना है. ले एग्स, तो हैंड्स ले एग्स एक्चुअली. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहले आप जिस डॉट को ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप हो गया, अब आप दे को ख़त्म करेंगे. तो हैंड्स के लिहाज से आपको विच लगाना है या फिर दैट लगाना है, और आप कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है जी, तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे. फर्ज करें मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, जगह उधर कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विच ले एग्स. सो मैं ऐसे पढ़ूंगा, माय मदर हैज़ टू हैंड्स विच ले एग्स. ऐसे ही मैं बाकी जो चार हैं वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने कॉपी के ऊपर इनको कंप्लीट करके लिखना है. बाकी काम आप नोटबुक के अपनी बुक के ऊपर कर सकते हैं, वो बुक वर्क है क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक्स है वहीं करेंगे. लेकिन ये जो है जो आपका मिला हुआ है क्वेश्चन डी पार्ट जो इसका मिला हुआ है, ठीक है बेटा, इस डी पार्ट को आपने अपनी अपनी बुक्स के अंदर लिखना है. पहले आपने ये वाला सेंटेंस लिखना है एज ए क्वेश्चन, और उसके नीचे सेंटेंस को ठीक करके लिखना है, और ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ. ताहिरा हैज़ टू कज़न्स हु लिव इन इंग्लैंड, माई मदर हैज़ टू हैंड्स, अब हैंड्स के लिहाज से लगा रहे हैं तो विच ले एग्स लगेगा. मैं एक और आपको कर देता हूँ, अगला आप खुद करेंगे बाकी तीन. आई बॉट अ बुक, अब बुक के लिहाज से हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है दैट, और यहाँ से ये दोनों चीज़ हटा देंगे, इट भी और ये डार्ट भी हटा देंगे. ठीक है, आई बॉट अ बुक दैट इज अबाउट बर्ड्स. ओके, इसी तरह से आपने यहाँ से डार्ट और ही को ख़त्म करना है और सोचना है क्या लगना चाहिए यहाँ पे. यहाँ से इट और डार्ट को ख़त्म करेंगे, सोचेंगे क्या लगना चाहिए, ही और डार्ट को ख़त्म करेंगे और आप देखेंगे क्या लगना चाहिए.
इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।